तालकड़ एक ऐतिहासिक स्थल है जिसमें बहुत सी दिलचस्प बातें शामिल हैं। यह बेंगलोर से 180 किलोमीटर और मैसूर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कर्नाटक के चमराजनगर जिले में स्थित है। यहाँ के मंदिर रेत से ढके हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शहर को रानी एली मेला ने श्राप दिया था। श्रीरंगपट्टम पर विजयनगर परिवार से श्रीरंगा राय का शासन था। राजा एक असाध्याय रोग से पीड़ित हो गया और तालकड़ में विद्वेश्वर के मंदिर में जाकर अपनी पत्नी रानी एलेमेला पर जिम्मेदारियां छोड़ दिया। यह सुनते ही कि उसका पति मृत्यु के निकट था, वह तालकड़ के पास उसके साथ मिलकर मैसूर के राजा वॉरियर को जिम्मेदारियों को सौंप दी। दुष्ट राजा हमेशा श्रीरंगपट्टम की जवाहरात और संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था और इसीलिए रानी के खिलाफ एक सेना को उकसाना चाहता था। और जब रानी को यह बात पता चली तब रानी ने कावेरी नदी में अपने जवाहरात के साथ खुद को डूबते हुए तालकड़ शहर को श्राप दिया कि यह रेत में तब्दील हो जाएगा और मैसूर राजा अपने उत्तराधिकारी होने में विफल होंगे। और कहा जाता है कि अब भी इस शहर पर श्राप लगा हुआ है। इस शहर में कई सुंदर मंदिर हैं जो टूरिस्ट के लिए यह एक प्रमुख स्थल है। इस जगह का दौरा करने का सबसे अच्छा समय सितंबर से फरवरी तक है। इस तथ्य के पीछे के दृश्य अद्भुत है कि शहर रेत में जगमग है। इस शापित शहर के बारे में बताई गई बातें और वहां का दृश्य टूरिस्टों को अधिक उत्सुक करता है। तो दोस्तों, ये थी तालकड़ की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।